अचानक, मैं तो सोचा भी नहीं था मैं कभी फिल्मी गीतकार बनूंगा। शैलेंद्र जी मेरे फ्रेंड फिलासफर ओकुल थे, शैलेंद्र जी राज कपूर के राइटर थे। शैलेंद्र जी ने बीना में तीसरी कसम की शूटिंग, बीना जब वो पहुँचे तो फोन आया, बिट्ठल भाई बीना आ जाओ, राज कपूर आ गए। वो मुझे चांदनी चौक के गुरुद्वारे में ले गए, गुरुद्वारे में बोले माथा टेको। मैंने माथा टेका, बाहर आए तो राज कपूर ने एक रुपये निकाला मेरे हाथ में लग गया, बिट्ठल भाई तुम मेरी अगली फिल्म के राइटर, अनुबंध हो गया। मतलब सब मैं, और लोगों ने दिल से आपकी सराहना की, झूठ बोले कौवा काटे, जिससे एक पहचान आपकी पूरे हिंदुस्तान के परिदृश्य, जो मनोरंजन जगत का परिदृश्य है उसमें आपकी अलग पहचान उभर के आ गई, और सागर मध्य प्रदेश की भी पहचान उससे उभर के आ गई। तो पहली बार जब आपने वो फिल्म में गीतकार की हैसियत से आपने हिस्सेदारी की और शामिल हुए, सत्यम शिवम सुंदरम का भी वो गीत जो है रंग महल के 10 दरवाजे, वो भी आपकी जो लोक जीवन है, बुंदेलखंड का जो समाज है, यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उससे प्रेरित है, उससे होकर प्रेरित होकर ही आपने देखा, और उस गीत को भी काफ़ी लोकप्रियता मिली। और अन्य फिल्मों में फिर आपने धर्मवीर, हत्यारा और दरिया दिल तक ये सिलसिला चला, सन्यासी के गीत भी काफ़ी कर्णप्रिय हुए और उनके बोल ऐसे थे कि बरबस लोग गा उठते थे, गुनगुना उठते थे। कहता हूँ मेरे बच्चे सेवा में लगे रहे, जो आपकी एक जीवन की विशेष पहचान है, सेवा कार्य किए हैं तरह तरह के, तो उस तरह के सेवा कार्यों को अपनाएं, ये आपकी प्राथमिकता है। सागर जिले की हमने पूरी पदयात्रा की, जी हाँ, और हर गांव में रुक के उनकी प्रॉब्लम सीखी।